Good morning, student. Welcome you all. So today I am going to start the second part of present perfect continuous tense. So as you all know, in the previous part we have seen the present perfect continuous tense definition and where do we use it, where do we use this tense, and the structure of this tense means only the positive structure of this particular tense. And the time reference, that is for or since. So today we will see the other structure, other sentence structure, like negative structure, negative sentence structure, or the interrogative structure. All right, let's start. So first we'll see again what is present perfect continuous टेंस, जिससे आप लोगों को एक बार रिकॉल हो जाए कि हमने यस्टरडे क्या क्या पढ़ा था. सो एक बार आप वापस देख लीजिए. सो द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज ऑफन वेरी सिमिलर इन द मीनिंग टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. मीन्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम परफेक्ट का यूज कर रहे हैं. क्लियर? वहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, बट इन दिस टेंस वी यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट इसका जो वर्ब है, वर्ब में हम हैज और हैव लगाते हैं और उसके साथ हम बीन का यूज कर देते हैं, एंड बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द बी. क्लियर? जस्ट लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट, वी कैन यूज दिस ग्रामर टू टॉक अबाउट समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज स्टिल हैपनिंग. So, similar the present perfect tense, in this tense we talk about the past thing, but it emphasizes the present thing also, means it's still happening. Wo present mein bhi kya hai? Continue hai. Clear? But the present perfect continuous focuses, means emphasizes more on the continuous action. So, continuous action पे भी ये ज्यादा जोर देता है. जस्ट बिकॉज जब भी कॉन्टिन्यूस एक्शन होता है, हम इसमें क्या लिखते हैं? आई एन जी वर्ड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आई एन जी. सो बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस में क्या करता है? एम्फसाइज करता है, फोकस करता है. सो द एम्फसिस इज ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. सो ये किस पे एम्फसिस करता है? ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पर. मैंने आपको कल यस्टरडे जो लास्ट टॉपिक पार्ट है आपका, उसमें भी मैंने आपको क्लियर करा है कि अमाउंट ऑफ द टाइम बताता है, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बताता है, राइट? कि हमें यहाँ पे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हम उसमें क्या है, हमें पास्ट की बात हो रही है, वो डेफिनाइट नहीं है. क्लियर? बट ये हमारे को हमेशा क्या बताता है? ड्यूरेशन ऑफ द टाइम बताता है. नाउ सी द सेंटेंसेस, मीन द स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर वी हैव ऑलरेडी डन, बट स्टिल वन मोर टाइम हम इसको देख लेते हैं. Present perfect continuous tense expresses the action which is occurred in the past and they proceed in the current situation or maybe in the future. Clear? Let's see the means current जो present perfect continuous tense है, वो वैसे तो past में की हम बात कर रहे हैं, but वो अभी भी current situation में भी वो क्या हो रहा है? चल रहा है, और maybe कई बार future में भी वो चल सकता है. हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि शायद वो फ्यूचर में भी चल सकते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं. सब्जेक्ट, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट हैज हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मींस वर्ब जो रूट वर्ब है उसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मींस ऑब्जेक्ट. सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च. अब मार्च से यहाँ पे अब देखो टाइम रेफरेंस दिया हुआ है. मार्च से क्या कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूं कब से? मार्च से. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम रेफरेंस ऑलरेडी गिवन है. क्लियर? कि आई हैव बीन, और बीन यहाँ पे दे रखा है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च. अब नेगेटिव देखते हैं. नेगेटिव एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. नेगेटिव पार्ट सब्जेक्ट हैज हैव, हमेशा नेगेटिव करना है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पास जस्ट नॉट पुट कर दो. ठीक है, आपका नेगेटिव बन जाएगा. नॉट देन बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. सो आई हैवंट और हैव नॉट, दोनों आप बोल सकते हैं. आई हैवंट बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस मार्च. नाउ द
when it comes to interrogative sentences, then always interrogative sentences mein helping verb jo hai first mein aati, matlab starting of the sentence. So has have plus subject plus being first form of the verb, then ing with the root form of the verb, then object, then question mark. It is very essential to put question mark in the interrogative sentence. Clear? मैं बहुत बार आपको ये चीज बोल चुकी हूँ. Have I been working on this since March? Question mark. Clear? So ये जो structure है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे structure बनाना है affirmative means positive sentences का, negative sentences का and interrogative sentences का means question type sentences का. Clear? Now, अब मैं one by one आपको कुछ repeat करती हूँ present perfect continuous tense के positive form, negative form and question form means interrogative form. So एक बार आप वापस देख लीजिए तो it will be very easy to understand for you. So subject has have been first form of the verb. So see has and have, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि has is always used with singular and have is always used with plural subject. So here the subject is he, she, it. यहाँ पे हमारा subject क्या है? He, she, it. He, she, it के साथ हम और name के साथ क्या लगेगा? Has been. Then start. Start is the root form of the verb and we put ing with the start verb. Clear? So it has been starting or he has been starting, she has been starting. Clear? Now have with always come I वैसे तो singular है but I में जितने भी rules लगते हैं वो हमेशा जो भी हम plural में लगाते हैं वही हम इसमें लगाएंगे. So I, you, we or you, they के साथ we always use the have, then have starting. Clear? So hi. अब इसके कुछ और examples दे रखे हैं. I have been cooking and he has been cooking. So I के साथ हमने have put किया, he के साथ हमने has put किया. Clear? So now see some negative form also. Subject has have, then not, then been, first form of the verb with ing. So he, she, it के साथ has लगेगा. You can use has not or you can use also hasn't. Hasn't is the short form of has not. Clear? Has not starting. So I have not been starting and I haven't been starting. See the other examples also. I have not, I haven't been cooking or he hasn't been cooking. Clear? Now see the question form means interrogative form. Has have subject been first form of the verb ing. See मैं आपको बहुत सारे examples बता रही हूँ so आप इसे अच्छे से देखिएगा. ये repeat जरूर हो रहे हैं but it will very useful for you. Clear? That's why मैं इसे बार 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 आपको बता रही हूँ. So has and have. Has have के साथ he, she, it and have के साथ I, you, we, you, they. और has के साथ he, she, it तो आ रहा है, इसके साथ कुछ name भी आ सकते हैं. Suppose your name is Akash तो Akash भी हमें हम सकते हैं. Has Akash been starting? Okay? But question mark जरूर लगाना. Clear? I have you been starting? So see the other examples. You have been cooking, she has been cooking. ये affirmative sentence है. इसको interrogative में हम change करेंगे, means question form में बनाएंगे. तो it would become have you been cooking? Question mark or has she been cooking? Clear? Now the present perfect continuous tense may has been playing first form of the verb ing and have been first form of the verb plus ing. So they have been playing football. Negative, they haven't been playing football. Clear? ये सारे forms आप दे रहे हैं. देखो यहाँ पे mention भी है first form of the verb ing, first form of the verb ing. Means जो root form है उसके साथ हमने ing. Play is the first form of the verb play, played, played. Clear? तो first form इसकी है play, second form इसकी played and third form is also play. Clear? Same question में भी हम यही use करेंगे. They have been playing football. So इसका क्या बन जाएगा? Have they been playing football? Just कुछ नहीं करना है. Verb को first put करना है, then subject को second put करना है. जब हम question form में इसको transform करेंगे और convert करेंगे. Is that clear?
So now see some positive, negative and question sentence. So ek bar aur definition dekh lete hain. Tense indicates that this tense means present perfect continuous tense indicates that something started in the past and it's continuing at the present time. Means some actions started in the past time but it still means in the present time it's still continuing. Clear? See the positive, negative and question. Main ek hi line mein bolungi, just understand. I have been starting, I have not been starting. Have I been starting? क्वेश्चन जितने भी उसमें क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट आप लोगों को क्वेश्चन मार्क पुट करना है, सो ये आपको नहीं भूलना है. क्लियर? ओके, सो आई हैव बीन, यू हैव बीन स्टार्टिंग, यू हैवंट बीन स्टार्टिंग, हैव यू बीन स्टार्टिंग, ही हैज बीन स्टार्टिंग, ही हैजंट बीन स्टार्टिंग, ही हैज शी बीन स्टार्टिंग, शी हैज बीन स्टार्टिंग, शी हैजंट बीन स्टार्टिंग, हैड शी been starting, it has been starting, it hasn't been starting, hasn't been starting. Clear? So now यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ड्स भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिए हुए हैं, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग क्वाइट डिफिकल्ट, बट थोड़ा लर्न करने कर लीजिएगा आप इसको. हम इसे प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. क्लियर? I have been learning English since childhood. मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ. मतलब यहाँ पे time आ गया, time indicate कर रहे हैं since childhood. यानी clear है बचपन से क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं. और अगर हम since और for का यहाँ पे use नहीं करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, present continuous tense. Clear? But present continuous tense में हम helping verb कौन सी use करते हैं, is, am और आर, लाइक आई एम लर्निंग इंग्लिश. क्लियर? बट डेफिनेट टाइम नहीं होता उसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा डेफिनेट टाइम नहीं होता, बट इन दिस टेंस वी हैव सम डेफिनेट टाइम, वी हैव द टाइम रेफरेंस हियर, लाइक सिंस और फॉर वर्ड आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टेंस. सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हाई हैज योर बेबी बीन स्क्रीमिंग फॉर एन आवर, आपका बच्चा एक घंटे से क्यों चिल्ला रहा है. So, आपका बच्चा चिल्ला रहा है, कब से चिल्ला रहा है, एक घंटे से चिल्ला रहा है. राइट? सो हियर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एक घंटे से चिल्ला रहा है, कब के एक घंटे से, आज के एक घंटे से, कल के एक घंटे से, इन द फ्यूचर एक घंटा. क्लियर? व्हाट हैव यू बीन ट्राइंग टू डू फॉर टू डेज, तुम दो दिन से क्या करने की कोशिश कर रहे हो. तो फॉर टू डेज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन हियर, टू डेज से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लास्ट संडे, अब सिंस लास्ट संडे डेफिनेट टाइम है, डेफिनेट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंस. हम यहाँ पे फॉर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है. संडे से हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं. हैज माय मदर नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर टू आवर्स, क्या मेरी माँ दो घंटे से खाना नहीं पका रही. तो यहाँ पे एग्जैक्ट है कि दो घंटे, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम नहीं गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर फॉर. Clear? So I hope you all have understood, must have understood well this tense means present perfect continuous tense. So with this we come to the end. और आप सबको ये समझ में आ गया होगा. I send you the exercise of this tense and the last tense that we have already done, like present perfect tense or present continuous tense or simple present tense. Like understand? So with this we have completed the present tense. Clear? Okay, till then take care and thank you.